यहाँ पे 16 दिन हुए स्ट्राइक पे और चैन हंगर स्ट्राइक हमें 7वां दिन चल रहा है और हम लड़कियाँ कहाँ जाएं और हम कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहे हैं और हमारे हक में कोई फैसला भी नहीं आया। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे बारे में कुछ अच्छा फैसला दिया जाए। हम लड़कियां किस किस से लड़े, हम अपने हकूक से लड़े, हम अपने बेरोजगार से लड़े या हम अपने कोविड-19 में किस किस से लड़े। आप रजौरी से बोल रहे हैं, अब मैं रोज रोज की तरह ये तो नहीं बोलूंगी कि हम SRO 24 के अंडर लगे हुए हैं। अब वो तो मैक्सिमम पब्लिक को पता चल ही गया है कि ये कहां से बोल रहे हैं और क्या इनकी लड़ाई है। और आज मैं यही कहूंगी कि अपील से गवर्नमेंट से हम इतनी देर से अपील करें, हमारे बाकी भी लीडर जो है हमारे साथ हमारी सपोर्ट में है। मुझे लगता है कि हमारी जो हेल्थ डायरेक्टर कमिश्नर जो भी है वो हमारी इस बात को नहीं सुन रहे। मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं सुन रहे कि जो हमारी सपोर्ट में है वो शायद बीजेपी सरकार के लीडर नहीं है, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुन रहे। हमारी बात को जानबूझ के दबाया जा रहा है। अब हम बताएं हम कब तक लड़ें, किस किस से लड़ें, हमारी मतलब हम बीमारी से लड़ें, हम अपनी बेरोजगारी से लड़ें, हम कहां जाएं। आप देख सकते हो कि 14-15 दिन हो गए आज हमें, हम यहां पे रोड पे बैठे हुए, लेकिन आप बताएं कि हम लड़कियां कब तक सफर करेंगे। हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनको कोई शर्म है यानी कि इन बच्चियों के बारे में कुछ तो सोचें। 15 दिन हो गया हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ इवन ये सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना है, लेकिन हम लोग घर से आ रहे हैं, घर में जा रहे हैं, हमारे तो कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन हमारे तो एडमिनिस्ट्रेटिव और ना ही हमारी गवर्नमेंट कोई सुन रही है। हमें कोई भी यहाँ का जो भी लीडर है हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारी बातें तो सब सुन रहे हैं लेकिन जवाब हमें कोई भी नहीं दे रहा। तो हम ये चाहते हैं कि इतना टाइम हो गया, क्यों इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं की जा रही।